अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रिंसेस अमरा चैनल। सो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा दुपट्टा डिज़ाइन। ये वर्क जो है मैंने इस फैब्रिक से बनाया, ये बनारसी का फैब्रिक है जो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। जिससे मैं ये बना रही थी, मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे ये भी आप लोगों को दिखाना चाहिए। पर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये कैसे लीव्स जो है इस टाइप की किस तरह से मैंने लगाया है और साइड में मोती है मैंने कैसे लगाया है, अगर ये आप जानना चाहते हो और आपको सीखना है ये, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसकी वीडियो फिर मैं ले करके आऊँगी। एक्चुअली जब मैं बना रही थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इसकी भी वीडियो बनानी चाहिए। मैंने ये लीव्स जो है वो तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, पर मैंने दुपट्टे में एक नग होता है, मोती होती है, जो भी आप कह लो, वो मैंने एक साइड में थोड़ा सा लगा दिया था, सेकेंड साइड में मैंने नहीं लगाया था। सो मैं लगाने वाली हूँ, मैं और ये ग्लू मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं यही ग्लू यूज़ करूँगी। एक्चुअली क्या है ना कि ये दुपट्टा जो है इसकी फुल वीडियो भी है, ये सूट है पूरा, इसकी फुल वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। वो बहुत प्यारी बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस है। एक्चुअली ये जो सूट मैं बनाई हूँ, जिसकी दुपट्टा मैं अभी आपको फ़िलहाल दिखा रही हूँ, ये आप मेहंदी फंक्शन में पहनोगे ये बहुत प्यारा लगेगा। वैसे ये मैं नग इसमें साट दे रही हूँ, या जो चिपकाना होता है वो मैं कर दे रही हूँ। तो ये बहुत इजी है, और ये ग्लू होता है ना, ग्लू जो मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ बस उसी से थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। एक्चुअली क्या हुआ है ना गाइज, जो ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैं अब थोड़ा बचत करना चाहिए इंसान को, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने उसका ही ग्लू का जो पैक था मैंने उसको ही खोल दिया और उसमें से ही ले लेकर के मैं लगा रही हूँ। क्योंकि इसमें ज़्यादा ये जो जब सीक्वेंस या ये जो नग है ना, जब इसको आप चिपकाते हो ना, तो ज़्यादा ग्लू यूज़ नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी ग्लू यूज़ होती है। तो और ये आप बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि अच्छा ये वॉशेबल है या नहीं है। एक्चुअली आप सच पूछो तो आप कोई भी जो आप नए कपड़े लो या फिर आप जो भी बाहर से जैसे कपड़े लो, आप वैसे भी इस टाइप के कपड़े ज़्यादा पहनते ही नहीं हो, ठीक है, आप ड्राई क्लीन करवा करके उस पर रख देते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो आप अगर एक बार पहन लो तो दूसरी बार कब पहनोगे ये भी नहीं पता रहता, एंड ये सबके साथ होता है कि आप एक बार पहन लिया आप लास्ट कब पहनोगी कोई पता नहीं, वही मेरे साथ ही होता है। तो मैं धोऊंगी, एक्चुअली मैंने पहले भी यूज़ किया है तो ऐसा नहीं है, समटाइम्स कुछ कुछ ऐसा मोती होता है वो निकल जाते, कुछ नहीं भी निकलते, ये नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ बहुत सारे के सारे फ़ौरन झड़ जाते, ये भी नहीं होता है, पर ये भी नहीं बोल सकती हूँ अच्छा ये एकदम झड़ते ही नहीं है, वो भी नहीं होता है। पर ये है कि आप सॉफ्ट हैंड वॉश से जब करोगे, आराम आराम से धोगे, तो ये नहीं निकलेगा, और बहुत देर अगर खुला करके छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली ये निकल जाएगा। पर हाँ हल्का डालो पानी में, हल्का धो, फटाक से निकालो तो ये नॉर्मल रह जाते हैं, पर एकदम कड़ी धूप में धो कि फटाक से ही दुपट्टा सूख जाए। तो ये फाइनली मैंने सारा जो मोती था मैंने सारा चिपका दिया है, एंड इसकी फुल लुक है वीडियो की, मैंने ये डाल दिया और इसकी फुल वीडियो भी मैं लाई हूँ, फुल वीडियो भी है इसकी, वो बहुत प्यारी सी है, वो मैं नेक्स्ट में अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोग नए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर